हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और मैं ये कुछ मेथी के सीड्स मेरे पास हैं जो मैंने भिगो दिए थे कल, और मैं इनको ग्रो करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है और देखिए इसे मैंने अच्छे तरीके से भिगो लिया है। फ्रेंड्स, दिन में तो कुछ भी नहीं हो पाता, वीडियो बनने का बिल्कुल आजकल हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे यहाँ लेबर चल रही है तो दिन भर काम चलता है, शोर होता है। तो मुझे किसी ने बोला था कि मैम आपने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली है, तो मैंने कहा चलो मैं यही वाली आपसे लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मेथी के कुछ दाने जो हैं ये भिगो दिए थे और अभी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। और ये मिट्टी देखिए मैंने जो है इसको गीला कर लिया है और अब हम इसमें ये दाने डालेंगे। तो मेथी का साग जो है वो बहुत अच्छा लगता है, शायद सभी को अच्छा लगता होगा। मैं इस तरीके से ये दाने इसके स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। ये भीगे हुए हैं इसलिए ये बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आप लोग भी इसको इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और ये मेथी बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है, इसका साग बहुत अच्छा लगता है, जाड़ों में सब लोग बहुत मन से इसको खाते हैं। और अपने घर में अगर हम कुछ ग्रो करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। ये देखिए मेरा पालक कितना अच्छा हो रहा है। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने इसके सीड्स बोए थे और आपको इसके बारे में दिखाया भी था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेथी जो है ये डाल दी है और मेरी अभी ये कुछ बच भी गई है तो मैं इसको कहीं और ग्रो करूँगी। तो इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, बस ये मिट्टी जो है वेल ड्रेन मिट्टी आपने ले लीजिए। और जैसे आप सभी अपने पॉट्स के लिए बनाते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी गोबर की खाद, थोड़ी सी सैंड और मिट्टी जो हमारी गार्डन सॉइल होती है, अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बना लीजिए, वरना सीड सड़ने का हो जाता है। तो इसलिए बस वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए और थोड़ी सी गोबर की खाद उसमें मिला लीजिए। बहुत आसानी से ये साग निकल आता है और इसको आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, जाड़े आ रहे हैं, जाड़ों में बहुत सारे जो हैं हम लोगों को पॉट्स चाहिए होते हैं, तो इसी तरीके से जुगाड़ कर करके कुछ पॉट्स बनाने पड़ते हैं। तो मैंने ये एक सूटकेस जो है वो आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, मैं इसी में ये उगा रही हूँ। और ये देखिए मैं इसमें ऊपर से थोड़ी मिट्टी सूखी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि मेथी की ऊपर जो है वो थोड़ी सी मिट्टी डालनी है बस, जिससे सीड्स आसानी से जर्मिनेट हो जाएं। ढकना है इनको, तो इस तरीके से हम जो है वो मेथी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ पालक का अपडेट शेयर किया है, इसी तरीके से मैं जो है इसका मेथी का भी आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए मैंने इसको ढक दिया, बस मैं इसमें पानी अभी नहीं दूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिट्टी जो है वो भिगो रखी है, तो इसलिए मैं इसको पानी अब नहीं दूंगी, कल दूंगी इसको पानी। और देखते हैं ये कितने दिन में जर्मिनेट होते हैं। और पालक तो मेरा खूब हरा भरा हो रहा है, आज धूप बहुत तेज थी तो ये थोड़ा मुरझा गया था, अभी मैंने पानी दिया है तो ये देखिए अच्छा हरा भरा हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कैलेंडुला के सीडलिंग्स और भी हैं, मैंने कई पॉट्स में लगा रखे हैं और खूब अच्छे से चल रहे हैं। उसके अलावा मैंने देखिए पिटूनिया इस तरीके से लगाया हुआ है, ये जो मैं लेके आई थी, ये मेरा जो मैंने आपके साथ सिंटैक्स अपनी एक बार दिखाई थी उसी का ये ऊपर का ढक्कन है, उसमें मैंने मिट्टी डाल के और ये पिटूनिया अपने लगाए हुए हैं और खूब अच्छे से चल रहे हैं, ये खूब अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इनमें। और ये देखिए ये मेरा हॉलीहॉक के सीडलिंग्स हैं, ये देखिए ये मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, ये कुछ धूप की वजह से थोड़ा मुरझा गए हैं लेकिन ये सब सही हो जाएंगे। और ये तो कुछ बड़े भी हो गए हैं, ये वाले देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस, आज इसमें दो फ्लावर खिले हुए हैं और बहुत ही सुंदर फ्लावर हैं, देखिए कितने बड़े साइज के, रोज इसमें फूल खिल रहे हैं आजकल और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने घर में मेथी और पालक ग्रो कर सकते हैं। और अब मैं थोड़े दिनों बाद इसे हार्वेस्ट भी कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसमें पत्तियाँ हार्वेस्ट करने लायक हो गई हैं, बड़ी बड़ी, ये देखिए। तो मैं कुछ दिनों, हफ्ते 10 दिन बाद इसको थोड़ा हार्वेस्ट भी कर सकती हूँ अपने घर में। और अपने घर का जो हम लोग सब्जियाँ या कुछ ग्रो करते हैं उसको खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने घर में मेथी पालक ग्रो करिए और उसका मज़ा लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।